मल्लिकार्जुन मंदिर श्री शैलम आंध्र प्रदेश का स्थल है सुंदर। एक प्रमुख शिव मंदिर है ये, जो है प्राचीन और पवित्र धार। श्री शैलम के पत्थर पर खड़ा है ये मंदिर ऊंचे स्थल पर। मल्लिकार्जुन के लिए ये है एक विशेष धरती का द्वार। मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्त है बनी। भक्त आते हैं यहाँ भक्ति भाव से सांझ और सुबहानी। ज्योतिर्लिंग यहाँ है स्थापित, जो है मल्लिकार्जुन की प्रतिमा। अद्भुत शक्ति और पवित्रता से भरा है ये दर्शनीय स्थल। आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्थलों में से एक है श्री शैलम। यहाँ आकर भक्तों को मिलती है शांति और आध्यात्मिक आराम। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में मल्लिकार्जुन मंदिर का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। ये प्राचीन मंदिर मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। इसकी पवित्रता के कारण इसका महत्व और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई है। नलामाला पर्वतीय श्रृंखला के बीच स्थित ये मंदिर भक्ति और विश्वास के रूप का प्रतीक के रूप में खड़ा है। उत्तर में नदियां पहाड़ियों और दक्षिण में कृष्णा नदी सहित आसपास की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण ये और भी आकर्षक बन जाता है। मंदिर के इतिहास के उल्लेखनीय व्यक्ति रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, जिन्होंने इसका पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मल्लिकार्जुन मंदिर का भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड में कैलाश के अलावा सबसे वंचित स्थान के बारे में पूछा, तो उन्होंने सुरमयी प्रकृति के बीच बसे शाश्वत सुंदर स्थान श्री चक्र के अवतार पवित्र श्री शैलम को चुना। ऐसा महत्वपूर्ण स्थान पर शिव शक्ति ने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए श्री मल्लिकार्जुन ब्रह्मारम्भा का रूप लेते हैं, जैसा कि पुराणों में सिद्ध है। श्री शैलम का बहुत प्राचीन महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर मल्लिकार्जुन स्वामी लिंगम है और 18 महाशक्ति पीठों में से छठे स्थान पर ब्रह्मारम्भा देवी मंदिर है। श्री शैलम एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे दोनों आइकन मौजूद हैं। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री शैलम में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, श्री गिरी, श्री पर्वतम और श्री नागम के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। जब शिव ने और पार्वती ने अपने बेटों के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने का फैसला किया, तो शिव ने बुद्धि सिद्धि और रिद्धि का विवाह गणेश जी से करवा दिया। लौटने पर कार्तिकेय क्रोधित हो गए और कुमार ब्रह्मचारी के नाम पर क्रौंच पर्वत पर अकेले रहने चले गए। अपने पिता को शांत करने के लिए आता देखकर उन्होंने दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश की, लेकिन देवों के अनुरोध पर वो वहीं पर रुक गए। जिस स्थान पर शिव और पार्वती रुके थे उसे श्री शैलम के नाम से जाने जाने लगा। महाशिवरात्रि श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। मंदिर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर में कई अन्य मंदिर हैं, जिसमें से मल्लिकार्जुन और ब्रह्मारम्भा सबसे प्रमुख मंदिर हैं। मंदिर परिसर में कई हॉल हैं, जिसमें से उल्लेखनीय विजयनगर काल के दौरान निर्मित मुख मंडप है। मंदिर पूर्व की ओर मुख करते हुए स्थित है। मल्लिकार्जुन जिस मंदिर में स्थित है उसे 7वीं शताब्दी में सबसे पुराना माना जाता है। श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। राजा दक्ष यज्ञ और माता सती के आत्मदाह की कथा के फलस्वरूप माता सती देवी का ऊपरी होंठ इस स्थान पर गिरा था। श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल
लगभग 180 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करनूल से और 213 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आप शिव भक्त हैं तो जल्दी से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप सुझाव भेजते हैं तो हम अगले आने वाले वीडियो में इसको और इम्प्रूव करके भेजेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अगले 10 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।